हेलो हाय एडवर्ड, स्टॉक टिप वन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मारुति के शेयर्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ का, जिनके लिए भी चैनल नया है तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। तो आज हम लोग मारुति के बारे में डीपली जानेंगे और देखेंगे न्यूज़ में क्या लेटेस्ट अपडेट आया है, और चलिए शेयर करते हैं मारुति के शेयर। तो राइट नाउ देख सकते हैं मारुति की शेयर 6648 पे करेंटली ट्रेड कर रही है और आज 0.020% ऊपर गई, मतलब 1 रुपीज़ का ही फ्लक्चुएशन दिखा है मार्केट में। पर उससे पहले ये नेगेटिव में थी और नेगेटिव में फिर धीरे धीरे ऊपर गई है। अगर हम लोग निफ्टी 50 में बात करें तो निफ्टी 50 में भी कुछ इसी तरीके का फ्लक्चुएशन दिखा था, ओपन हुई थी नेगेटिव में, फिर उसके बाद लगातार ऊपर चली गई। अब मारुति की ओर देखते हैं तो अगर 5 डेज का अगर हम लोग सिचुएशन समझे तो लगातार ही नीचे गिरी थी और बीच में जो मार्केट में बहुत बुरे तरीके से फ्लक्चुएशन दिखाया था 3% डाउन का, तो उसी तरीके की फ्लक्चुएशन के टाइम ये डाउन पीरियड स्टार्ट हुआ था मारुति का, और फिर उसके बाद अब धीरे धीरे मेंटेन कर रही है। अब डायरेक्टली हम लोग 6 मंथ पर बात करते हैं और इस बार मैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट टाइम मारुति टच की है 8139 तक में टच की है, पर मैं बोल रहा हूँ मारुति जल्दी ही आपको 7500 तक टच कर सकती है। नेक्स्ट टारगेट आप 7500 तक रख सकते हैं मारुति का जल्दी ही, क्योंकि अब क्या होने वाला है कि मारुति की ईवी कार बहुत जल्दी ही आने वाली है मार्केट में, जैसे वैगनार सब बहुत जल्दी ही ईवी कार आने वाली है, और जैसे टाटा मोटर्स की शेयर्स प्राइस थी जिस तरीके से, जिस हालात से वो जितनी ऊपर जा रही थी, अब सेम तरीके से मारुति में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद टाटा और मारुति की थोड़ी कंपेयरिंग होने लगेगी। अब थोड़ा और केयर करते हैं मारुति के शेयर्स के ऊपर, तो आप लोग देख सकते थे ये ओपन हुई थी 6625 पे और हाई गई है 6674 पे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना का फ्लक्चुएशन मिडिल में हुआ है, और सबसे लो जो फ्लक्चुएशन हुआ है तो सबसे लो गई थी 6545 तक, सबसे लो गई है। तो एक अच्छी फ्लक्चुएशन मिली आज एक्टिव शेयर में, इसको बोल सकते हैं कि थोड़ी सी शेयर एक्टिव थी पर उतनी भी फ्लक्चुएशन नहीं दे रही थी, पर एक अच्छी लास्ट में जाके एटलीस्ट नेगेटिव में नहीं बंद हुआ। अब मारुति के साइड से पॉजिटिव न्यूज़ चेक करते हैं कि क्या क्या है। तो मारुति के हिसाब से कुछ लेटेस्ट में ये सब पुरानी 1 मंथ की है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ज़्यादा कोई लेटेस्ट न्यूज़ तो मारुति के ऊपर नहीं है, पर मारुति पे जो टारगेट प्राइस हम लोग रख सकते हैं वो 7500 तक का रख सकते हैं, ये जल्दी ही टच करेगी इतनी, और एक अच्छा फ्लक्चुएशन आप लोग को मार्केट में देखने को मिलेगा मारुति के चलते, क्योंकि जल्दी ही इसकी ईवी कार मार्केट में आ रही है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप लोग को अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग तुरंत जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं जिससे आप लोग आराम से ट्रेड कर पाएंगे। याद से मारुति के शेयर्स को बाई कर लीजिए और नेक्स्ट टारगेट प्राइस 7500 तक रखिए। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए।